जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लगेंगे राहत कैंप। प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाने के लिए आज से ही आगामी 30 जून तक पूरे जिले भर में महंगाई राहत कैंप आयोजन का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू और कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने फीता काट कर राहत कैंप का शुभारंभ किया। सुबह से ही परिसर में लंबी लाइनें लगने लग गई। हर व्यक्ति इसका फायदा लेने के लिए मशक्कत करता दिखा। सुबह सुबह तकनीकी खामियों के कारण कुछ समय देर से शिविर की शुरुआत हुई, फिर भीड़ बढ़ने लगी। इस अवसर पर मंत्री जाट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इन योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए गए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि जिले में 70 स्थायी महंगाई राहत कैंप राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। शहर में आज कलेक्ट्रेट परिसर और तेजाजी चौक पर स्थायी महंगाई राहत कैंप लगेंगे। वैसे गहलोत सरकार आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे कैंप अवश्य लगा रही है, लेकिन आज कलेक्ट्रेट परिसर में लगे कैंप में कुछ अलग ही नज़ारा दिखा। प्रशासन ने लाभ लेने के लिए आई आम जनता के लिए टेंट तो छाया में लगाया, लेकिन महिलाओं को तेज धूप में खड़ा होते देखा गया, जिसकी चर्चा लोगों में खूब रही। नवभारत समाचार भीलवाड़ा से लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। देश में और भीलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप स्टार्ट किए गए हैं। भीलवाड़ा में अभी आज 28 जगह पर महंगाई राहत कैंप स्टार्ट किए गए हैं, जो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रूप से 70 स्थायी कैंप और 26 मोबाइल कैंप, कुल 96 कैंप डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में 10 योजनाओं का बढ़ा हुआ लाभ बजट 2023-24 के हिसाब से दिया जाएगा और इस पर सभी लाभार्थियों को लाने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी कैंपों में प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं और कैंप में पंजीयन की, छाया पानी की व्यवस्था की गई है। मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि इन कैंपों में जो बढ़ा हुआ लाभ है, यह आपको पंजीयन के दिनांक से नहीं बल्कि जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्कीम्स की डेट डिसाइड कर रखी है उसी स्कीम से देय होगा। इसलिए इसमें स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे आकर के अपना पंजीकरण करा लें और सभी लोग अपना पंजीकरण करा लें, क्योंकि कोई अगर बाद में भी पंजीकरण कराता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसको जो लाभ दे की दिनांक है उसी दिनांक से लाभ दिया जाएगा। महंगाई राहत के 10 योजना के साथ ही और अन्य समस्याओं को सुलझाने का काम सरकार ने 60 दिन के भीतर किया, एक बहुत ही अच्छा काम किया। हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इन कैंपों में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अशोक गहलोत जी की जो सोच है कि हर घर में जो महंगाई, आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सपने दिखाए थे, चाहे गैस फ्री में उज्ज्वला के नाम पे दिए, लेकिन आज 1100-1200 रुपए की गैस सिलेंडर कर दिया, उसमें 500 रुपए की छूट मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने दी है। वो भीलवाड़ा जिला ही नहीं, राजस्थान के लोग जिनको इस कैंप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 1 अप्रैल से ही 500 रुपए की छूट मिलेगी। इसी तरह तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो पिछली बार 10 लाख रुपए तक की थी, उसको बढ़ाते हुए दायरे को 25 लाख किया, बहुत ही अच्छा काम आम लोगों के लिए किया। मैं अपील करूंगा कि सब लोग इन कैंपों से जुड़े, भाग लें और महंगाई जो बढ़ रही है इससे अपने घर का जो बजट बिगड़ा उसको सुधारने का राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक वादा किया है, उसको निभाने का हम सब लोग मिलकर करेंगे तो फायदा आम लोगों को होगा।